हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम आईएएस विश्लेषण शॉर्ट सेशन कंक्रीट एनालिसिस, अ प्लेटफॉर्म दैट रिलेज यू विद क्लैरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। और इस सेशन में हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर को आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी या लास्ट सेशन में हम लोग ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस इम्पोर्टिंग डेस्टिनेशंस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन FII, FPI इन सब पे। सो लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले FDI के बारे में अगर आपको डिटेल्स और इसके कॉन्सेप्ट जानने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए RBI की वेबसाइट में सारे डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रैटेजिक्स, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे FDI में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, जैसे निधि कंपनी हो गई, चिट फंड्स हो गए, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हो गई, रियल एस्टेट हो गए, लॉटरीज हो गए, इन सब जहाँ जहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें FDI एप्लीकेबल होता है या जिसके थ्रू FDI हम कर सकते हैं, उस चीज़ पे भी आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड दैट पर्टिकुलर लिंक RBI के उन वेबसाइट पर आप डायरेक्टली आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह क्लब्ड होकर मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट FDI के और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि FDI कौन कितने टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल FDI। नाउ व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल FDI? मान लीजिए कि अगर कोई एक फॉरेन कंपनी है, जैसे ज़ारा हो गई, एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है, एंड अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है एक इंडियन फैशन डिजाइनिंग कंपनी लाइक फाइव इंडिया या किसी में भी, तो अगर एक पर्टिकुलर नीश की कंपनी, अगर पर्टिकुलर नीश की कंपनी ऑफ अनदर कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो दैट वी विल कॉल इट ऑन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट वी विल कॉल अ हॉरिजॉन्टल FDI। नाउ व्हाट इज वर्टिकल FDI? वर्टिकल FDI में ये होगा कि यही चीज अगर आपका सप्लाई चेन से रिलेटेड में करना चाहती है उसी डोमेन का, जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट हो गई और वॉलमार्ट कंपनी किसी पर्टिकुलर सप्लाई चेन से रिलेटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जिसका नीश सेम है, बी इट रिलेटेड टू एनी फंक्शनैलिटी, तो वहाँ पे उस चीज़ को नॉट गोइंग इन द डायरेक्टली इन द सेम मोड बट इनडायरेक्टली, देन उस चीज़ को हम वर्टिकल FDI कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्ग्लोमरेट FDI होता है। कॉन्ग्लोमरेट FDI मतलब अगर मान लीजिए कल के दिन में SpaceX ने कहा कि उन्हें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, SpaceX का नीश अलग है जो जिस काम पे वो फोकस करते हैं, एंड टाटा मोटर्स का नीश अलग है जिस पे वो अलग काम कर रहे हैं, बट बिकॉज SpaceX इन्वेस्टमेंट कर रहा है FDI के थ्रू, सो उस चीज़ को हम कॉन्ग्लोमरेट FDI कहते हैं जहाँ पे नीश बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। एंड लास्टली प्लेटफॉर्म FDI। नाउ व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म FDI? प्लेटफॉर्म FDI में अगर आप मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, उसने कोई प्रोडक्ट्स बनाए, एंड वो प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्टिंग होगा वो किसी थर्ड कंट्री में हो रहा है या थर्ड पार्टी कंट्री में हो रहा है, तो उस चीज़ को हम प्लेटफॉर्म FDI कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर देख लेना बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द ग्राफ्स एंड अदर चीज़ें रिलेटेड टू दिस टेबल्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलेगा कि नेट FDI जो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स में है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में दिखा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर इकोनॉमिक जो भी शॉक्स आए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उस वजह से कहीं ना कहीं वो फियर की वजह से ये इन्वेस्टमेंट में हमें वो इम्पैक्ट दिखता है। तो ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कोई यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट नहीं हुआ है या यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन एक FDI में एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग वाइज दिखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू द FPI। सिमिलरली FPI में भी आपको वो चीज़ दिखेगा कि FPI भी आपका थोड़ा वोलाटाइल रहा है। वोलाटाइल क्यों रहता है? सबसे पहली बात, FPI और FDI में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि FPI जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, यानी मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड कंसिडरिंग कि कोविड टाइम्स में आपका जो चीज़ें हुई हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ US के जो फेडरल रिजर्व्स हैं उसके नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, या फिर COVID-19 का वेरिएंट को लेकर जो इशू रहे हैं, आपके ग्लोबल एनर्जी प्राइसिंग को लेके हो गया है, या फिर आपका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली,
उस चीज़ को भी लेके आप कह सकते हैं कि FPI में ये थोड़ा वोलेटाइल रहा है, जो कि हमें इस ट्रेंड के हिसाब से भी दिख रहा है कि कभी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कभी वो डिक्रीज़ हो रहा है, बट वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्योंकि वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू FDI ज़्यादा दिखता है। तो एज सच के जनरल ट्रेंड हमें FPI में भी नहीं दिखेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टेबल, नाउ यहाँ पे हमें वो इंडिकेटर्स, वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि हमें ये बताएंगी कि आपको कैसे मूव ऑन करना चाहिए या किस तरह से इस ट्रेंड टेबल को रीड करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपको एक चीज़ दिखेगा, ये कहाँ कौन कहाँ कहाँ का कंपैरिजन किया है या कौन कौन से वो इकोनॉमिक शॉक्स थे जिस पे वो कंपैरिजन किए गए हैं। तो इससे आपको एक चीज़ दिखेगा कि जो एक ट्रेंड अगर देखा, एक्सटर्नल डेब्ट जब 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम और आज के डेट में जो है वो हमेशा नॉर्मली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे दिखा है। सिमिलरली हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी किया है। तो अगर इसी अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशियो देखें तो वो ड्यूरिंग द टेपर टैंट्रम टाइम हमें दिखेगा कि वो ज़्यादा था, जो कि आज के डेट में कम हो चुका है। इतना कम हो चुका है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी के टाइम से भी कम है इन टर्म्स ऑफ रेशियो वाइज देखा जाए। सिमिलर टू दिस शॉर्ट टर्म डेब्ट टू टोटल डेब्ट, ना यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है RM, एंड RM में यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है रेसिडुअल मेच्योरिटी। ना व्हाट इज दिस रेसिडुअल मेच्योरिटी, कंसिडरिंग कि शॉर्ट टर्म डेब्ट है, अगर आप मान लो कि आपने एक डेब्ट लिया है डेट भी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस डेट दे के रखा है 31 दिसंबर 2021। कंसिडर अगर आप ये करें कि 5 साल का एक डेब्ट था एंड 31 दिसंबर 2021 तक उस डेब्ट को लिए 3 साल हो चुके हैं, तो रेसिडुअल मेच्योरिटी का मतलब होगा कि अब उस डेब्ट का जो पीरियड बचा हुआ है वो 2 ईयर्स है। नाउ तो इससे हमें एक चीज दिखेगा कि अगर वो शॉर्ट टर्म डेब्ट को देखें तो वो रीसेंट टाइम्स में भी इंक्रीज होता दिखेगा, कंसिडरिंग कि शॉर्ट टर्म डेब्ट जो होते हैं वो आपको और इजीली एक्सेसिबल होते हैं, भले ही इंटरेस्ट रेट और उसके ज़्यादा होंगे या रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल होता है एंड इकोनॉमी को रन करना होता है, तो इसलिए वो आपको दिखेगा कि एंड दैट टू इन ए कोविड टाइम जब इकोनॉमिक शॉक्स चल रहे थे, तो आपको ये दिखेगा कि शॉर्ट टर्म डेब्ट टू टोटल डेब्ट जो रेसिडुअल मेच्योरिटी के साथ है वो इंक्रीज होता दिखेगा। नेक्स्ट इज कंसेशनल डेब्ट, कंसेशनल डेब्ट वो होते होंगे या जिसे आप कह सकते हो इकोनॉमी में कि वैसे डेब्ट जिसमें आपका जो ग्रांट है वो 25% या उससे ज्यादा है। अगर यहां पे भी देखा जाए 18.7, 10.4, 8.6, यानी कंसेशनल डेब्ट आपका जो है वो विद टाइम डिक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं जो ग्रांट है, आपने पिछले सेशंस में भी देखा होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल ग्रांट है वो एक विद अ टाइम विद अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो डिक्रीज हुआ है। तो कंसेशनल डेब्ट का भी अगर आपका वो ट्रेंड देखे, ये आपको देखेगा डिक्रीज होता हुआ। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप पुराने सेशंस को भी बार बार रिपीट करके देखें ताकि वो आपको कनेक्ट करते रहें एक एक चीज़ को कि आगे कौन कौन से सेशन में किस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स को आपको कंसोलिडेट करेंगे। नेक्स्ट टू दिस इज रिजर्व डेब्ट, रिजर्व टू टोटल डेब्ट। नो दिस इज अगेन अ रेशियो, ऑल दीज आर रेशियो थिंग्स जो यहाँ पे टू वर्ड यूज हुआ है। तो रिजर्व भी आज के डेट में देखा जाए ये एक बहुत अच्छे से लेवल में एक्सपैंड हुआ है, यानी आज के डेट में हमारा रिजर्व इतना अच्छा है कंसिडरिंग कि अभी थोड़ा सा डिप हुआ है रीसेंट टाइम्स, अगर करेंट अफेयर्स आप डायरेक्ट रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिजर्व आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, बट स्टिल वी आर मच हायर एंड एट दिस मोमेंट हम 4th लार्जेस्ट हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा चंक फॉरेक्स रिजर्व्स का है। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा रिजर्व्स, आपका टोटल डेब्ट जितना है अगर वो 100 के अबव है, यानी कि आपके रिजर्व्स ही आपके डेब्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि टोटल रिजर्व्स टू टोटल डेब्ट अगर 100 है तो क्या वो पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव साइन देता है या नहीं। नेक्स्ट इज रिजर्व्स टू शॉर्ट टर्म डेब्ट, अगेन यहाँ पे रेसिडुअल मेच्योरिटी वर्ड यूज हुई है, तो ये चीज़ बार बार ध्यान रखना कि रेसिडुअल मेच्योरिटी क्या चीज़ होती है। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दिखेगा कि रेसिडुअल मेच्योरिटी अगेन इंक्रीज होती दिखेगी। एक चीज़ और है कि डेब्ट आपका रिजर्व टू डेब्ट और रिजर्व टू शॉर्ट टर्म डेब्ट टेपर टैंट्रम पीरियड में आपका डिक्रीज हुआ है व्हेन कंपेयर टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि इन द पास्ट 10 ईयर्स में
आपका रिजर्व टू टोटल डेब्ट या रिजर्व टू शॉर्ट टर्म डेब्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग इस टेबल के एनालिसिस के थ्रू आंसर कर सकते हैं अगर यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रिजर्व कवर ऑफ इम्पोर्ट। रिजर्व कवर ऑफ इम्पोर्ट मतलब अगर आपने आज के डेट में अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया या कुछ भी नहीं हो रहा, आप केवल इम्पोर्ट कर रहे हो और इम्पोर्ट इतना ज़्यादा है कि आपके रिजर्व उसको कवर कर सकते हैं कि नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर कंसिडरिंग कि आज के डेट में अगर कुछ $610 बिलियन है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, तो अगर इम्पोर्ट हम किए जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 14.6 मंथ्स के लिए हमारे रिजर्व ही इस इम्पोर्ट को कवर कर सकता है अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं भी किया। ये आज इससे पहले तक इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम भी एक साल से ज़्यादा नहीं था, मतलब मोर देन 12 मंथ्स नहीं था, बट वंस वी रीच द पीक ऑफ $611 बिलियन इन द क्वार्टर वन ऑफ 2021, तब से ये आपका मोर देन वन ईयर हो चुका है आपका इम्पोर्ट कवर। तो ये जो 9.8 दिख रहा है अगेन टेपर ट्रेंटम पीरियड में आपको ये कम दिख रहा है, बट आज के डेट में ये 14.6 हो चुका है, तो वो आपको उस हिसाब से दिखेगा। नेक्स्ट इज डेप्ट सर्विस रेशियो। ये भी आपको कहीं ना कहीं आज के डेट में डिक्रीज होता मिलेगा, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो ये डेप्ट सर्विस रेशियो, नेट IIP टू GDP रेशियो, ये सारे वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंसिडरिंग की जो आपके एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स हो, हमारे सॉवरेन क्रेडिट एजेंसीज जो हमारे वो करती है रिड्यूस कर देती है हमारी क्रेडिबिलिटी को कि हाँ इंडिया इज़ नॉट दैट मच वर्थ कंट्री की जो अपने रीपेमेंट नहीं कर सकता है, वो ये दिख इस टेबल के थ्रू ही देख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ मच बेटर पोजिशन टू हैंडल ऑल इट्स डेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, नाउ यहाँ पे टॉप 10 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उस पर फोकस रखा गया है। आपको दिखेगा कि आज के डेट में भी जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा मेन है चंक है मरीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज राइस अदर देन बासमती। नाउ राइस अदर देन बासमती एंड राइस बासमती अलग क्यों रखा गया है, हमें इससे बहुत बड़ा दिखेगा कि अगर अप्रैल टू नवंबर पीरियड में 2021 में देखें ये $3.9 बिलियन बैठता है एंड राइस बासमती का केवल 2.1, यानी कि सारे राइसेस जो राइस प्रोडक्ट्स हैं उसके अगर देखें तो एक बहुत बड़ा चंक बासमती राइस भी एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस, सबसे बड़ा चंक लेता है सऊदी अरेबिया, देन आपके ईरान हो गया, UAE हो गया, कुवैत हो गया, मतलब वो कंट्रीज जो जहां से आप अपने एनर्जी ऑयल के डिमांड को कंप्लीट करते हैं। UK जैसे कंट्रीज भी हैं इसमें आती हैं, बट ये वो कंट्रीज हैं और इनको ध्यान में भी रखना चाहिए कि बासमती राइस का एक्सपोर्ट कौन कौन से फेवरेबल डेस्टिनेशंस हैं इंडिया के लिए। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी वो कौन कौन से डेस्टिनेशन है जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यू कैन से USA, चाइना, EU एंड अदर, इस तरह से लिस्ट विल गो ऑन। तो मरीन प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए US, चाइना एंड EU जैसे मतलब रीजन्स में भी है। ज्योग्राफिकली वाइज अगर देखना पड़े तो आप कंसिडरिंग कि अगर इसको ज्योग्राफी से लिंक कर सके, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट और इसको दिखाया है, सिमिलरली अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो आप नॉर्मल अपने डेली वाइज जो आप अपने रेगुलर स्टैटिक सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं या फिर रीजन देख सकते हैं कि कॉटन रॉ मटेरियल चाइना टाइप क्लाइमेट में क्यों इतना ज़्यादा फॉलो होता है या वीट इतना ज़्यादा क्यों फॉलो होता है इन स्टेपीज क्लाइमेट रीजन में। ये सारे चीज़ आपको और इजी करेंगे कि आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी को किस तरह से जल्दी जल्दी आपस में रिवाइज कर सके, कंसोल्टिंग की कनेक्टिंग द डॉट्स द प्रिंसिपल जो मैं बार बार कहता हूँ उसको जितना जल्दी आप फॉलो कर सके। इवन बफेलो मीट भी एक बहुत बड़ा चंक है, इनफैक्ट इन टॉप 5 में बैठता है अगर हम टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में देखें। तो आपको अगर नॉर्मली अगर देखना हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के टर्म्स में तो ये टॉप 5 होंगे, और अगर नॉर्मली UPSC ने प्रीलिम्स के बेसिस पे पूछा कि अरेंज करना तो आप उस अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, नाउ बिकॉज हमने FDI की बात की थी तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे FDI का एक बहुत बड़ा चंक आज के डेट में भी फ्लो होता है, एंड सबसे बड़ा आज के डेट में भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को जा रहा है।
ना आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये 58.5% बैठता था ये 22.9% पे आ गया है, यानी कि आपका FDI अगर इंक्रीज भी हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ जो वो जाना चाहिए था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को, वो आज के डेट में भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में जा रहा है, लेकिन और सेक्टर्स इंडिया ने ओपन किए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, आपका PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें इंडिया ने स्पेसिफिक सेक्टर्स डिवाइड करके रखे हैं जहाँ पे इंडिया अपना फोकस रखा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कम्स द ऑटोमोबाइल एंड देन द सर्विसेज सेक्टर। एंड सर्विसेज सेक्टर में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग वाले भी आएंगे, नॉन फाइनेंशियल भी आएंगे, इंश्योरेंस भी आएंगे, ये सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, एंड जो कि यहाँ पे नोट डाउन करके भी रखा गया है। तो ये अगर इसमें भी UPSC अगर ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स ये पूछेगा कि अगर FDI का जो फ्लो है सेक्टर वाइज किस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, नाउ दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल टेबल। इस टेबल पे आपका पूरा, जैसे हमने अपने रिवेन्यू फिस्कल पॉलिसी में हमने जैसे देखा था कि फिस्कल पॉलिसी में भी ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट कैसा है, उस चीज़ों पे भी ध्यान रखा गया था। तो उस पर उस सेम टेबल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे भी उसी चीज़ को रखा है एंड इकोनॉमिक सर्वे के टेबल को ही उठा के किया है। हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या नंबर्स किस तरह से जा रहे हैं, जैसे कि करंट अकाउंट लिया गया। एंड मैंने अपने पिछले सेशन में भी बताया था कि करंट अकाउंट में हम मर्चेंडाइज ट्रेड को लेते हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड में एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, देन इनविजिबल जो कि हमारे ये विजिबल गुड्स में थे, इनविजिबल में हमारे सर्विसेज हो गई, इनकम्स हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, इस चीज़ पे भी फोकस है। तो ये उस अकॉर्डिंग इन्होंने प्लस माइनस करके पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखाया है कि किस तरह से क्या क्या कंपोनेंट कैसे कैसे सेट होता है। तो आपको आज भी दिखेगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये बात किया था कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है नॉर्मली अगर क्वार्टर वन या क्वार्टर वाइज भी देखें वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी इम्पोर्ट, मर्चेंडाइज इम्पोर्ट आज के डेट में भी एक बहुत बड़ा चंक हो रहा है जो हम बाहर से मंगाते हैं, एंड एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। हालांकि हमने एक्सपोर्ट भी इंक्रीज किया है बट हमारा इम्पोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड जो कि हमने अपने सबसे फर्स्ट सेशन में भी बात किया था कि अगर आज के डेट में देखा जाए कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के केस में कि किसने ज़्यादा ग्रोथ किया है या किसने उस प्री पैंडमिक लेवल को अचीव किया है, वो इम्पोर्ट है ना कि एक्सपोर्ट, अगर कंपेयर किया जाए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को। नेक्स्ट इज इनविजिबल। इनविजिबल में सर्विसेज की बात हो गई थी, ट्रांसफर्स यानी कि आप रेमिटेंसेस जो हैं उन चीज़ों पे, इनकम अगर ओवरऑल वे में देखा जाए कि प्रॉफिट जो हम देते हैं, अगर किसी ने हमें हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट जो हम दे रहे हैं या डिविडेंड जो हम दे रहे हैं वो इनकम के फॉर्म में हम नेगेटिव वे में दिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस चीज़ को ओवरऑल वे में देखा जाए, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे यानी FDI आ जाएगा, FII आ जाएगा, लोन्स आ जाएंगे। नाउ लोन्स पे भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि लोन्स किस किस फॉर्म में आ रहा है। लोन्स अगर किस किस फॉर्म में, अगर ओवरऑल वे में देखें, आपको एक चीज़ दिखेगा कि सबसे बड़ा आज के डेट में भी ये जो लोन ये जो भी आ रहा है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आ रहा है। नेक्स्ट आपके NRI डिपॉजिट्स हो गए, देन आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप कह सकते हैं हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बट अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो ये तीन ही अपने आप में मिलाकर कम से कम आपका 77.2% फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। यानी जो ओवरऑल जो हम लोन बाहर से भी ले रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी जो नॉट गवर्नमेंट, इट्स कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो हैं उनमें ज़्यादा उनके थ्रू ज़्यादा लोन लिया जाता है। देन NRI डिपॉजिट्स जो हमारे होते हैं वो एक फॉर्म में सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एंड देन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो अगर अरेंज इस फॉर्मेट में भी UPSC ने दिया तो आप उस अकॉर्डिंग डेटा वाइज अरेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल असेंशियल ये सारे को भी, अगर इन सारे चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये उस अकॉर्डिंग 40.1 ज़रूर बैठेगा जो भी आपका दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली देन आपका यहाँ पे एक आपको टर्म दिखेगा रुपी डेप्ट सर्विस। रुपी डेप्ट सर्विस का मतलब कुछ नहीं होता है कि मान लीजिए अगर आपका जो लोन का रीपेमेंट है
अगर उसको आप डॉलर्स की जगह आज के डेट में भी आप रुपी के फॉर्म में करते हैं तो उसको हम रुपी डेट सर्विस कहते हैं। एंड रुपी डेट सर्विस का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के। ना इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज के डेट में भी जो हमारा लोन है वो ज़्यादा हाईली डिनोमिनेटेड है US डॉलर फॉर्म में एंड देन रुपी फॉर्मेट में, यानी जिसे हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ मसाला बॉन्ड या जो भी कह सकते हैं। देन इज दैट कि ओवरऑल जो बैलेंस हमारा बैठता है वो 31.2 बैठता है, लेकिन आपको अगर एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव में गए, इसका मतलब ये है कि 31.2 बिलियन डॉलर जो आपने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अटेन किया है वो इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि अगर हम नॉर्मली देखें कि हम जो कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि 0.6% आज के डेट में बैठता है ऑफ GDP, या पहले -3.3% ऑफ GDP चला गया था, ये इंक्रीज़ हो रहा था अब डिक्रीज़ हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर आप हैंडल करते हो तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर चंक कैपिटल अकाउंट से आता है, यानी कि FDI से आ गया, FII से आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इनकम या फिर ट्रांसफ़र इनके थ्रू जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उसके थ्रू भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। फाइनली बिफोर एंडिंग दिस एक्सटर्नल सेक्टर ओवरऑल चैप्टर, आपको कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि रेसिपिएंट या रेमिटेंसेस जो हैं आपके वो कहाँ कहाँ से आती हैं, या हाईएस्ट कौन कौन से हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट रेमिटेंस मिलता है, जो कि सबसे बड़ा है आज के डेट में भी इंडिया है। देन इसके बाद आप कह सकते हो चाइना हो गया, इसके बाद आप कह सकते हो फिलीपींस हो गया, और थर्ड आई थिंक सो इट इज मेक्सिको, एंड फोर्थ इज फिलीपींस, एंड फिफ्थ इज इजिप्ट। तो भले ही आज के डेट में इजिप्ट में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि वो डेप्ट रीपेमेंट शायद ना कर पाए या डिफॉल्ट कर जाए, बट स्टिल आज के डेट में भी जो रेमिटेंस है वो इजिप्ट को, इट इज़ वन ऑफ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको वो फॉरेन एक्सचेंज का या फिर एक्सचेंज रेट में अगर वो देखना पड़े तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अप्रिसिएशन करती हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रिसिएशन करती हैं किसी करेंसी को, वो सारे चीज़ें ध्यान में रहने चाहिए। एंड बिकॉज इसलिए ध्यान में रहना चाहिए बिकॉज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने ये देखा कि कितने कंट्रीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉल बैक करना पड़ा उनकी डिप्रिसिएशन में। एंड अगर डिप्रिसिएशन वाइज अगर हम देखें तो टर्की वॉज द बिगेस्ट कंट्री, वन ऑफ द मतलब अगर बिगेस्ट वो उन कंट्रीज़ को देखा जाए जो बहुत ज़्यादा फोकस में रहती हैं ओवरऑल ग्लोबल मैप पे, टर्की वो कंट्री है जिसने अराउंड 34.4% का डिप्रिसिएशन देखा। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना हो गया, देन एक ऐसी कंट्री है जो आप कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में देख रहे हैं दैट इज़ श्रीलंका, देन थाईलैंड हो गया। तो क्या इंडिया को भी डेप्रिसिएशन फील करना पड़ा? यस, इंडिया को भी डेप्रिसिएशन फील करना पड़ा है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बट इट वॉज मियरली 0.4% अराउंड। अब अगर आपसे UPSC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इन्होंने पांचों ब्रिक्स कंट्रीज के नाम दे दिए, यानी कि ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, कि इनमें से कौन सी वो कंट्रीज थी जिन्होंने डेप्रिसिएशन को हैंडल किया या एप्रिसिएशन हुआ है दो बाकी इस कंट्रीज में नहीं हुआ है, तो आपको एक चीज दिखेगा कि ब्राजील एंड इंडिया आर द टू कंट्रीज जहां पे डेप्रिसिएशन हुआ है, एंड बाकी जितने भी कंट्रीज हैं इनमें एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ को ओवरऑल वे में देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो डेप्रिसिएशन का भी ये मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, एंड ये कुछ ही चीज़ें जो आप हमेशा ध्यान में रखना है फॉर एक्सटर्नल सेक्टर, बी एट FDI, FII, एप्रिसिएशन कहाँ पे हो रहा है, मर्चेंडाइज ट्रेड कहाँ मूव ऑन कर रहा है, अब इम्पोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हो गई। सो बिफोर वी एंड दिस सेशन, विजिट अवर वेबसाइट momentumis.com for getting more updates and getting downloading free materials and attempting test series and daily quizzes, and subscribe to our YouTube channel
to get some more splendid YouTube videos. Thank you.